श्रावण माह के आखिरी सोमवार पर सावली के प्रसिद्ध भीमनाथ महादेव मंदिर के ब्रह्मलीन सावली वाले स्वामी जी की 30वीं पुण्यतिथि को मनाया गया, जिसमें देश विदेश से भक्त उनके पुण्यतिथि को मनाने के लिए पहुंचे। सावली को अपनी कर्मभूमि बनाकर विभिन्न सेवकीय प्रवृत्तियों में लगातार कार्यरत रहने वाले सावली के स्वामी जी के नाम पर प्रसिद्ध हुआ ब्रह्मलीन स्वामी जी के समाधि के मंदिर को 30 साल पूरे हुए हैं, जिसके चलते समाधि स्थल भीमनाथ महादेव मंदिर पर इस दिन को मनाया गया है। कोरोना के चलते बीते साल सरकार की गाइडलाइंस के तहत ही स्वामी जी की पुण्यतिथि को मनाया गया था और इस साल भी गाइडलाइंस के तहत ही ये आयोजन किया गया है, जिसमें गुजरात समेत देश विदेश से स्वामी जी के भक्त पहुँचे हैं। ये रिपोर्ट सावली से हमारे संवाददाता मीत काचिया ने भेजी है। नमो शिवाय। श्री भीमनाथ महादेव सावली ये 400 वर्ष पुराण शिव मंदिर छे। आद्य शंकराचार्य वक्त जूनू शिवलिंग 400 वर्ष करता पण पुराण आवेलू छे। कोई जूना वक्त में नाथ संप्रदाय आ एक भीमनाथ महादेव प्रमुख स्थान हतु, ज्या नाथों लोकोनी समाधिओ आवेली हती। त्यारबाद वर्षो जता 1959 में परम पूज्य स्वामीजी सावली पधार्या। तेमणे आ जग्यानो जीर्णोद्धार कर्यो, मंदिरनी सफाई करी अने सावली में भीमनाथ महादेव स्थान ने व्यवस्थित करीने सावली में बनावी। पूज्य स्वामीजीए सावली में शालाओ कॉलेजो तथा हॉस्पिटल नु पण निर्माण करायु। स्वामीजी 59 में सावली आया। परम पूज्य सावली में स्वामीजी नासिक कुंभमेला में जता अकस्मात में गाड़ी ने नड़वा थी एमने सावली में समाधि लीधी। गेमीनाथ दादा ने जीवन समाधि की बाजू में तेमनी समाधि नु निर्माण करवामां आव्युं छे। परम पूज्य स्वामीजी की समाधि ने लीधे आज सावली खूब ज लोकप्रिय बनेलू छे। अने आजना परम पूज्य स्वामीजी की 30वीं पुण्यतिथि निमित्ते सावली में धामधूमपूर्वक पहला जे शोभायात्रा काढवामां आवती हती ते कोरोना की महामारी ने लीधे शांतिपूर्वक रीते शोभायात्रा काढ्या वगर भीमनाथ महादेव में आ प्रसंगनू आयोजन करवामां आव्युं छे, जेमां हजारों भक्तोए भाग लीधो छे, दर्शन कर्या छे, अखंड शिव ओम नमः शिवाय की धून नु पारायण कर्युं छे। सवार में लघुरुद्र करवामां आव्यो हतो अने सांजे सुंदरकांड नो पण सुंदर प्रोग्राम राखवामां आव्यो छे। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।